सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभी माई नेम इज इल्टी ऑफ इंग्लिश आज एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहेगा हमारा ओके और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक रूट वर्ड ठीक है दिस इज न्यू इनिशिएटिव फ्रॉम अभी जिसमें कि आपको एक छोटा सा लेक्चर दिया जाएगा बट मैक्सिमम उसमें आपको रिजल्ट देने की हम ट्राई करेंगे राइट एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रो पाठशाला इसमें आपका स्वागत है एंड आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके लिए एक रूट वर्ड जिसका रूट वर्ड है दैट इज या फिर नियो ठीक क्यों है? है? है क्योंकि अब अगर हम डेली में छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट्स के साथ में तैयारी करें जिसमें कि आपका भी टाइम सेव होगा और आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट टू दी पॉइंट चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी ठीक है लेक्चर थ्री है आज का ही हमारा और इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि कोई भी टॉपिक है जैसे कि अगर रूट वर्ड्स की बात करूं ठीक है रूट वर्ड्स की बात करूं तो अगर आपको एक रूट वर्ड यहां पे मैंने प्रोवाइड करवा दिया उससे होगा क्या वो आपका पूरी जो जिंदगी है एक तो याद रहेगा और उस एक रूट वर्ड से यू कैन रिमेंबर मल्टीपल यू कैन रिमेंबर मल्टीपल क्या बोलते हैं वोकैबलरी वर्ड्स राइट दिस इज वन सिंगल वर्ड, ठीक है अब ये माइक्रो पाठशाला जो पर्पज समझने का है, ये भी है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको लगता है दिक्कत है ठीक है मान लो आपको वोकेबलरी या फिर किसी ग्रामेटिकल पार्ट में दिक्कत है सो so आप हमारे माइक्रो कोर्सेस को भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है माइक्रो कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें आपको ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा लेट सपोज कोई किसी का प्राइस आपको फिफ्टी टू होगा किसी का ट्वेंटी रूपीज किसी का ट्वेंटी फाइव वेरी करेगा उस टॉपिक के हिसाब से ठीक है अब इससे होगा क्या जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते ठीक है और फुल कोर्स उनको लेना पड़ता है उस चीज को अवॉइड करने के लिए माइक्रो कोर्सेज आपकी हेल्प करता है ठीक है चलिए समझते हैं माइक्रो कोर्सेज में कि माइक्रो पार्सल में जो हमारा आज का रूटवर्ड है नोव या फिर न्यू इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है न्यू या फिर न्यू इसका मतलब होता है नया ठीक है न्यू या फिर नया ओके तो कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो बड़े कॉमन हैं और काफी इंपॉर्टेंट है जैसे नोविस नोविस में आपका वर्ड आ रहा है नोव दिख रहा है आपको नोव अब आपको क्या करना है आपको यहां से समझना पड़ेगा अगर ये वर्ड अगर आप आपको फिर से इसको याद ही करना पड़े तो इसका फायदा क्या तो वर्ड बनने का फायदा क्या फिर लिए है ना तो जो होता है इसका मैंने आपको मतलब बताया न्यू और नोविस का मतलब देखिए एक तो हमारा होता है नाउन ये नोविस का मतलब होता है नया ठीक है अभी जो नया नया सीख रहा है किसी काम को हु इज बिगिनर राइट बिगिनर या फिर हु इज बिगिनर या फिर हु इज यू कैन से अनस्किल्ड है ना अनस्किल्ड भी इसमें आ सक, आप बोल सकते हो कि वो अभी काम सीख रहा है ठीक है इन एक्सपर्ट जो भी एक्सपर्ट नहीं है अभी काम सीख रहा है ठीक है? अभी ये ये था, This is novel. Adjective है है okay? और इसका मतलब होता है बिल्कुल नया, जैसे हम पढ़ते हैं नोवेल नोवेल ठीक है नोवेल कोरोना वायरस ठीक है न्यू कोरोना वायरस ये नोवेल ठीक है ना इसका मतलब होता है न्यू न्यू कोरोना वायरस जैसे ठीक है फिर आता है नोवेलिटी Novelty का मतलब क्या हो जाएगा आपका न्यूनेस फर्क कुछ नहीं है नोवेल Novel और नोवेलिटी में adjective, of speech का फर्क है this is your adjective and this is your noun. वाले mostly noun में ही आते हैं okay? अब अब आ गया नियो. अब नियो का मतलब भी होता है नया नियो फाइट अभी जो नया नया फाइट करना सीख रहा है ऐसे याद कर लीजिए बिगिनर है जो अभी अभी जो न्यू कमर है अभी जो inexperienced है, इन एक्सपीरियंस है राइट नियो नेटल याद कर लिए टू न्यू बोर्न बेबी दैट इज कॉल्ड न्यू नेटल ओके अब इससे हाउ यू कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम इट राइट जब आप एग्जाम में बैठोगे और मल्टीपल क्वेश्चंस में है ना आप और पता है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे सो यू कैन एलिमिनेट फ्रॉम दी क्या लाइक अगर मान लो नयो न्यू की बात कर रहा है नया वहां पे न्यू की बात कर रहा है समथिंग ठीक है आपको हिंट आ रहा है वहां से तो बाकी ऑप्शंस को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो ओके इनोवेशन अब इसमें नो no वर्ड आ रहा है इनोव इनोवेशन ठीक है इनोवेशन नो वर्ड आ गया पता है आपको उस चीज को पुनर्जीवित करना उसको इनोवेट करना नया करना टू क्रिएट समथिंग ठीक है फिर रेनोवेट एक्चुअली तो रेनोवेट का होगा पुनर्जीवित इसमें तो नया कुछ अविष्कार करना कुछ न्यू है ना कुछ इन्वेंट करना और इसका मतलब हो जाएगा रेनोवेशन का टू गिव न्यू लुक टू समथिंग ठीक है टू गिव न्यू लुक टू समथिंग ओके जैसे हम अपने घरों को रेनोवेट करते हैं दिवाली के टाइम पे या किसी फंक्शन के टाइम पे या किसी है ना मैरिज के टाइम पे ओके तो ये हमारा था आज का रूटवर्ड ठीक है उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट इसको अगर आप पढ़ लेंगे पांच मिनट अगर आप अपने लाइफ के इसको देंगे डेफिनेटली ये चीज आपको एग्जाम में हेल्प करेगी ओके सो ये एक इनिशिएटिव था ठीक है और इसी के थ्रू आप माइक्रो कोर्सेज को समझ सकते हो और अपना पैसा टाइम दोनों बचा सकते हो ठीक है इसके थ्रू एक तो आपको कम टाइम में टू पॉइंट रेलिवेंट कंटेंट मिलेगा और पैसा भी आपका लिमिटेड लाइक यू डोंट नॉट इफ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग अदर सब्जेक्ट वेल देन यू कैन गो फॉर टॉपिक वाइज राइट जिस भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी होती है यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सिस बता देता हूं हाउ यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सिस ठीक है उसको समझिए सबसे पहले अभी पीडीआई सर्च करोगे आप ठीक है उसके बाद में यूल गो टू दी चूज एग्जाम ठीक है एस एस सी सी जी एल चूज करोगे ठीक है उसके बाद में यहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा अभी पीडिया कोर्सेज ठीक है स्मॉल एफर्ट्स बिग रिजल्ट्स राइट नीचे आप पे देखोगे यहां पे हर एक टॉपिक के हिसाब से आपको मिल जाएगा इंग्लिश की बात करूं ठीक है इंग्लिश इस पे क्लिक करोगे आप यूल गेट टू नो ऑल कंटेंट सेंटेंस कंप्लीशन एर डिटेक्शन देखिए अमाउंट क्या है फिफ्टीन रूपीज फिफ्टी थ्री ठीक है जो भी मोमोज या कुछ भी खाने में इजीली हम खर्च कर देते हैं क्लोजेस्ट आप ठीक है इसमें आपको पी मिलेंगे एमसीक्यू मिलेंगे नोट्स मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे राइट सो दिस इज ऑल फॉर इट और ऐसे ही और भी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर जय हिंद जय भारत